चैनल जेपैक बॉयज आज की इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 बेस्ट इंजन स्वैप्स फॉर होंडा सिविक। चले शुरू करते हैं हम अपनी लिस्ट और आपको बताते हैं कौन कौन से इंजन है जो कि होंडा सिविक में स्वैप किए जा सकते हैं और वो क्यों स्वैप करने चाहिए, किस बजट में हो सकते हैं वो स्वैप और उसमें फर्दर क्या क्या मॉडिफिकेशन करके पावर एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। शुरू करते हैं हम अपनी लिस्ट। सो बॉयज, नंबर 1 इंजन जो हमारी लिस्ट पे है वो है द चीपेस्ट ऑप्शन, दैट्स D15 और D16। अच्छा भाई, D15, अब D15 की बात की जाए सबसे पहले NA पे, तो जो D15B है दैट प्रोड्यूसेस अराउंड 108 हॉर्स पावर फ्रॉम फैक्ट्री। अच्छा, अब D15B VTEC की बात की जाए तो वो NA पे प्रोड्यूस करता है अप्रोक्सीमेटली 127 हॉर्स पावर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम D16 के ऊपर मूव करें तो D16 का जो बेसिक वेरिएंट होता है जो कि ये है, ये प्रोड्यूस करता है अप्रोक्सीमेटली 110 हॉर्स पावर फ्रॉम द फैक्ट्री। और अगर D16 में एक स्पेसिफिक कोड है D16Y1 जो कि US मार्केट में आया है, वो प्रोड्यूस करता है 130 हॉर्स पावर। अगर आप इसको सोर्स कर पाए तो NA पे 130 हॉर्स पावर विल बी अ लॉट, सही है। उस पर आप हेडर, इनटेक, डाउन पाइप, एग्जॉस्ट वगैरह करके बेसिक पॉइंट्स करके, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 5 परफॉर्मेंस मॉड्स, बिगनर परफॉर्मेंस मॉड्स, उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो का भी लिंक मौजूद है, वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये सारी मॉड्स भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल पे जाना हो इस स्वैप के साथ तो आप क्या करेंगे, यू विल डू टर्बो चार्ज। अच्छा, टर्बो चार्ज करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ईबे की टर्बो चार्ज किट्स मिलती हैं जो स्पेसिफिक होंडा सिविक को लेके होती हैं। ईबे की टर्बो चार्ज किट, हाँ भाई, ईबे की टर्बो चार्ज किट आ जाती है। आज के जमाने में पाकिस्तान में सामान पहुंचना नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। $800-900 $1,000 के अंदर आपको किट मिल जाती है, दैट्स 1,70,000, ठीक है। उसके अंदर आपको तमाम सब कुछ मिलता है, ठीक है, ईच एंड एवरी थिंग, एक एक नट बोल्ट अवेलेबल होता है उस किट के अंदर। यहाँ पे ला के आपको 2-2.5 लाख रुपए की किट पड़ेगी, लगा के ट्यूनिंग करते करते 3 लाख रुपए तक आप अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएंगे उसको लेके, लेकिन जो आप पावर एक्सट्रैक्ट करेंगे दैट विल बी अराउंड 300 हॉर्स पावर। अच्छा, इन्हीं 3 लाख रुपए को खर्च करते हुए वो सामान अलग अलग जमा करके भी वो किट पाकिस्तान में भी बनाई जा सकती है अगर आप वेट नहीं करना चाह रहे तो। ये तमाम पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान में, बहुत आसान हो गई है। अच्छा, तो ये जो इंजन ऑप्शन है दैट्स फॉर द व्हाट शुड आई से चीपेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये था नंबर 1 इंजन हमारी लिस्ट पे डी सीरीज। चलते हैं हम अपनी नंबर 2 इंजन की तरफ। तो बॉयज, नंबर 2 इंजन हमारी लिस्ट पे है F20। F20 पे मल्टीपल वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, होंडा की अच्छी बात यह है कि इसकी थ्रॉटल बॉडी उसमें लगा दो, उसकी चीज इसमें लगा दो और आपकी पावर आप इंक्रीज कर लो। हेड इनटेक, डाउन पाइप, एग्जॉस्ट कर सकते हो आप, फ्रैंकेस्टाइन कर सकते हो मोटर को, किसी का हेड रख दिया, किसी का ब्लॉक रख दिया और आपने ज्यादा पावर एक्सट्रैक्ट कर ली। F20B में मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ होंडा अकॉर्ड टोरिनो का इंजन, दैट्स F20B विच इज अ डुअल ओवरहेड कैम डॉक इंजन, ठीक है, जिसमें 2 कैम्स होती हैं ऊपर। क्यों ये इंजन, क्यों दिस इंजन प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 180-185 हॉर्स पावर, दैट्स अ लॉट। सो दिस कुड बी अ वेरी गुड इंजन स्वैप राइट नाउ। रिसेंटली एक यूज F20 का सेटअप फॉर सेल आया हुआ था एंड द गाय वॉज डिमांडिंग लाइक 1,30,000 1.5 लाख रुपए। अगर आप बहुत भी लगा लें तो 2-2.5 लाख रुपए में आपका F20 का स्वैप हो सकता है, ठीक है। और दिस कुड बी अ वेरी गुड इंजन टू स्वैप इन योर कार, 2000cc इंजन, वेरी टॉर्की मोटर एंड अ गुड ऑप्शन टू गो विद। चलते हैं हम अपनी नंबर 3 इंजन। सो बॉयज, नंबर 3 इंजन हमारी लिस्ट पे है H सीरीज। H सीरीज में H22 की सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि होंडा प्रेल्यूड टाइप S से आता है। ये पर्टिकुलर इंजन जो है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इंजन प्रोड्यूसेस 185 टू अप्रोक्सीमेटली 220 हॉर्स पावर, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन कि वो कौन सा वर्जन है, कौन सी मार्केट का इंजन है, लेकिन ज़्यादातर जो इंजन में चेंजेस ईमिशन स्टैंडर्ड्स को लेके किए जाते हैं, तो आप उस पर ट्यूनिंग करके, आफ्टर मार्केट मॉड्स करके, वो जो मैक्स जो कंपनी कह रही है 220 हॉर्स पावर या चाहे उससे थोड़ा ज़्यादा भी NA के ऊपर अचीव कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर H सीरीज की भी कुछ टर्बो की एग्जाम्पल्स मार्केट में मौजूद हैं। अच्छा, H22 के बाद आ जाता है H23, सही है, ये भी H सीरीज का ही इंजन है। H23 की बात की जाए तो दिस द पर्टिकुलर H23 विच आई एम टॉकिंग अबाउट कम्स फ्रॉम JDM होंडा अकॉर्ड वैगन विच हैव केम फ्रॉम 1998 टू 2002, ठीक है, दिस इज द कार आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके,
ये वाला जो पर्टिकुलर इंजन है ये अप्रोक्सीमेटली 185 टू 198 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, विच इज अलॉट फॉर एनी मोटर। आप इसको भी स्वैप कर सकते हैं, आपकी गाड़ी डेली ड्रिवन रहेगी। अच्छा, H2200 H2300 दोनों ऑटो में भी अवेलेबल है। इसी तरह जो मैंने आपको पहले इंजन ऑप्शन बताया वो भी ऑटो में अवेलेबल है, लेकिन मैनुअल का मजा ही अलग होता है। ठीक है, आई वुड रेकमेंड यू मैनुअल ऑप्शन टू गो विथ। सो दिस वॉज द नंबर थर्ड ऑप्शन। अच्छा, ये F से थोड़ा महंगा होता है, ठीक है, और जो मैं नेक्स्ट इंजन बताने वाला हूँ उससे थोड़ा सस्ता होता है। अगर हम एक H की बात की जाए, अच्छा H22 की पर्टिकुलर में बात करूँ तो वो इतना, मतलब इस लिस्ट पे होने का एक रीजन ये भी है, वो एल्यूमिनियम ब्लॉक और एल्यूमिनियम हेड होता है। सो दैट्स अ वेरी गुड मोटर टू गो विद। चलते हैं हम अपने नंबर फोर्थ इंजन की तरफ। नंबर फोर्थ की तरफ मूव होने से पहले मैं आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया दे दूं, तो ये जो इंजन है ये आपको 2 से 3 लाख रुपए का कम से कम अगर आपको मिलेगा मार्केट में तो इतने का मिलेगा। इंजन के प्राइस डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, तो अगर आप मेरी ये वीडियो शायद हो सकता है 6 महीने या साल बाद देख रहे हो, मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जो लोग 2-2 साल बाद देख रहे होते हैं, बोलते हैं यार आपने तो बताया था RX 10 लाख रुपए की मिल रही है, तो भाई आज से 3 साल पहले 10 लाख रुपए की थी RX। तो इस तरह ऐसा ना आप लोग 1.5 साल बाद मेरी वीडियो देख रहे हो और बोल रहे हो यार आपने तो इतने इंजन बोल दिया, इंजन तो महंगा हो गया। तो भाई दिन ब दिन प्राइस इंक्रीज हो रही है। जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम के मार्केट के हिसाब से है, एंड दैट दोस कैन फ्लक्चुएट अ बिट। चलते हैं अपने नंबर फोर्थ इंजन की तरफ, जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। सो बॉयज, नंबर फोर्थ इंजन हमारी लिस्ट पे है के सीरीज। अच्छा, के सीरीज के बारे में बताने से पहले, ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश है होंडा सिविक FD2R, ये कभी भी पाकिस्तान में नहीं आई, ठीक है, ये मलेशियन मार्केट, थाईलैंड और बाकी JDM मार्केट में अवेलेबल है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। ये क्या होती है, होंडा सिविक रीबॉर्न का स्पोर्ट्स वर्जन होता है, यू कैन कॉल दैट। ना इस गाड़ी के अंदर के सीरीज मोटर आती है K20 टाइप R, ठीक है, इसमें रेड इंटीरियर, रेड बकेट सीट्स और ये इतनी खूबसूरत सी गाड़ी होती है दिखने में। बहुत सारे लोगों ने अपनी नॉर्मल रिबॉनों के ऊपर ये बॉडी किट्स लगाई हैं, लेकिन ओरिजिनल गाड़ी होती है। तो मैं कभी ना कभी जिंदगी में अल्लाह ने चाहा तो इसी चैनल पे आप लोगों के लिए पूरी कन्वर्जन लेके आऊंगा, जिसमें आई विल बाय टाइप आर 1 टाइप आर FD2 और उसको हम लोग एक सादी रिबॉन लेंगे और उसको कंबाइन कर देंगे। सो बॉयज, K20 मोटर जो टाइप आर वाला इंजन है दैट प्रोड्यूसेस अप्रॉक्सिमेटली 220 टू 225 हॉर्स पावर। अच्छा, ओवरऑल इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं विच गोस फ्रॉम 175 हॉर्स पावर टू 220 हॉर्स पावर। द टाइप आर 1 इज द मोस्ट रेटेड इंजन। ये इंजन इतने ज़्यादा अच्छे क्यों हैं, क्योंकि इनकी जो रेड लाइन होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, 8 से 9 हज़ार तक इसकी रेड लाइन होती है, और आप के पास बहुत सारे आफ्टर मार्केट मॉड्स और इश्यूज अवेलेबल हैं, जैसे कि के प्रो हो गया, के ट्यूनर हो गया, आप इनको लगा के फर्दर के मोटर्स को ट्यून कर सकते हैं। इसी तरह K20 के बाद K24 आ जाता है। अच्छा, K24 NA पे थोड़ा सा कम उसकी पावर होती है कंपैरिजन टू K20, लेकिन क्योंकि कंप्रेशन रेशियो का फर्क होता है, वो डिफरेंट तरीके की गाड़ी में आया है, K20 को बिल्ड करते हुए डिफरेंट चीजें जहन में रखी गई थी। अच्छा, अब आप K24 को लेके यूजली हमारी मार्केट में लोग क्या करते हैं, K24 को लेके K टर्बो करते हैं लोग, ठीक है, क्या करते हैं, दे बोल्ड ऑन टर्बो ऑन टू K24 मोटर एंड यू कैन मेक अप टू 400 टू 500 हॉर्स पावर फ्रॉम दैट सेटअप, विच इज अ लॉट फॉर एन होंडा 2 लीटर मोटर, ठीक है, ये अच्छी अच्छी लांसर ईगो उसको मुंह दे सकता है एक अच्छा K। सो बॉयज, ये था के जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा, K20 टाइप आर की बात की जाए तो ये बहुत सारी गाड़ियों में आया है, ये आया है होंडा सिविक EP3 में आया है, ये उसके बाद EP3 के बाद जो टाइप आर आई थी UK वाला वर्जन उसमें भी आया है। अच्छा, उसके बाद ये FD2 में आया है, तो K20 बहुत सारी गाड़ियों में आया है, ठीक है, आप ये वाली कन्वर्जन कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। सो दिस इज अ वेरी गुड इंजन टू स्वैप इन योर होंडा सिविक। चलते हैं हम अपने नंबर फिफ्थ इंजन की तरफ। ये नंबर फिफ्थ पे होने का रीजन ये है, इसकी लेस अवेलेबिलिटी है, बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है दिन ब दिन, दैट्स बी सीरीज, सही है। इसमें आ जाता है B16 और B18, ये दोनों इंजन मशहूर अपनी रेड लाइन की वजह से हैं कि इनकी रेड लाइन जो होती है वो 9000 RPM पे होती है, और इनको भी टर्बो, इनके ऊपर भी टर्बो बिल्ड की जाती है, लेकिन ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा नायाब होते जा रहे हैं, तो फाइंडिंग अ बी मोटर वेरी इजीली इट्स वेरी हार्ड, सही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपको एक अच्छी बी मोटर मिल जाए पाकिस्तान की मार्केट में। सो आई वुड से टॉप 4 ones आर द थिंग टू गो विद। उसके अलावा कुछ मैं ऑनरेबल मेंशन है जो करना चाहूँगा, जो कि पाकिस्तान में अभी तक एक स्वैप हुआ है, जो कि मैक्स पावर मोटर स्पोर्ट्स लाहौर ने किया है, दैट्स K20C।
ठीक है, इज एन ऑनरेबल मेंशन, K20C बेसिकली नई वाली होंडा सिविक टाइप आर में आया है. सो व्हाट इट डिड, टुक अ स्टॉक ब्रांड न्यू होंडा सिविक और बाहर से वही कन्वर्जन वाला सीन, एक K20 टाइप आर कोई भी आपका ली और उसका पूरा सेटअप निकाला विच इज दिस और वो डाल दिया हमारी स्टॉक गाड़ी में, ठीक है, और उसमें उसी की ब्रेक सस्पेंशन एवरीथिंग. सो आपके पास पाकिस्तान की मार्केट में जो नई वाली सिविक है ये सिर्फ ऑटो ऑप्शन में आई है, जबकि अब कन्वर्जन के बाद आपकी नई वाली सिविक जिसमें टाइप आर का K20C आ गया दिस मोटर, तो आपकी वो सिविक अब हो गई है मैनुअल. सो बॉयज, अ मैनुअल कार इज ऑलवेज फन टू ड्राइव. सो ये थे मेरे ऑनरेबल मेंशन एंड दीज आर द स्वैप्स विच यू कैन गो विद योर होंडा सिविक. अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूं बनाता रहूं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल जेपैक बॉयज, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, ये है मेरी आईडी, जल्दी जल्दी इसको हिट करें, हमें इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी को 35,000 पे लेके जाएं, हमारी जेपैक बॉयज की आईडी है इसको जल्दी से 25,000 पे लेके जाएं और हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब करेंगे 40,000 पे, आप लोगों के लिए आने वाला है कुछ सरप्राइज. मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़.